तो मोदी सरकार को 9 साल क्या पूरे हुए, कांग्रेस पार्टी इसे नाकामी की तरह दिखा रही है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अपनी बातें रख रही है और अपने मुद्दे रख रही है। ऐसे में जगह जगह जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जा रही हैं। कांग्रेस का क्या है कार्यक्रम, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर कांग्रेस 27 से 30 मई तक देश भर के 35 शहरों में संवाददाता सम्मेलन कर सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम कर रही है। पार्टी की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम मुंबई में 29 मई को, अजय माकन गुवाहाटी में 27 मई को, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी रायपुर में 27 मई को, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा धर्मशाला में 27 मई को, पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ नागपुर में 27 मई को, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विनीत पुनिया आगरा में 27 मई को, सांसद दीपेंद्र हुड्डा लखनऊ में 30 मई को और कांग्रेस के संचार विभाग के सचिव वैभव वालिया इंदौर में 27 मई को संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के कई अन्य नेता भी मोदी सरकार के 9 साल के कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर शुक्रवार को महंगाई, बेरोजगारी और अन्य कई मुद्दों पर 9 सवाल पूछे और कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने वादों को पूरा नहीं करके देश के साथ जो विश्वासघात किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी को माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, झूठे वादों और जनता की दुर्दशा पर भाजपा ने खड़ी की 9 साल की इमारत। महंगाई, नफरत और बेरोजगारी, प्रधानमंत्री जी अपनी इन नाकामियों की लीजिए जिम्मेदारी। हैशटैग नाकामी के 9 साल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।